वहीं आदमपुर चुनाव पर बोले भव्य विश्नोई, जनता के लिए करूंगा शिक्षा का इस्तेमाल, जल्द अपना रोडमैप आपके समक्ष रखूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेहतर काम किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भव्य विश्नोई, क्योंकि आदमपुर चुनाव का एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जल्द ही इसको लेकर लगातार वो भी मैदान में दिखाई देंगे। भव्य, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो आपकी शिक्षा है उसका इस्तेमाल आप जनता के साथ करना चाहते हैं, आदमपुर की जनता के लिए भी करना चाहते हैं, तो क्या रोडमैप है? अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरीके से लोगों के काम आएंगे? हमने बिल्कुल सही कहा, जितनी मेरी शिक्षा रही है चाहे हिंदुस्तान में चाहे विदेश में, मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि उसका लाभ आदमपुर की जनता को, हरियाणा की जनता को और आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता को मिले। जहाँ तक कि मेरे रोडमैप का सवाल है, मैं बहुत ही जल्द, अभी मेरा रोडमैप तैयार हो रहा है, बहुत ही जल्द आपके समक्ष भी लेकर आऊँगा। आपको याद होगा कि 2019 में जब मैंने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी मैं एकमात्र ऐसा नेता था हिंदुस्तान के इतिहास में जिसने पार्लियामेंट्री लेवल में एक मैनिफेस्टो जारी किया था। तो इस बार भी मैं अपने विजन को लेकर एक रोडमैप तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो आपके समक्ष लेकर आऊँगा। आपको क्या लगता है हरियाणा के वो कौन से ऐसे मुद्दे? देखिए, हरियाणा आर्थिक रूप से भी काफ़ी संपन्न है, अगर मैन पावर की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो कमी रह जाती है या कौन सी वो चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए जो हरियाणा को एक एक्स्ट्रा पहचान दिला सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं समझता हूँ कि पिछले 8 सालों से मनोहर लाल खट्टर साहब बहुत ही एक जुझारू नेता है, अच्छे मुख्यमंत्री है, बड़े दिल की मुख्यमंत्री है, विकास पुरुष है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश में किए हैं। लेकिन आदमपुर की बात करूं तो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिला शक्तिकरण को लेकर, सोलर एनर्जी वातावरण को लेकर, ऐसे कई सारे मुद्दे जो मेरे मन में हैं जिनकी ओर मैं काम करना चाहूँगा। युवाओं के मुद्दे हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, इन चीज़ों को लेकर मैं काम करूँगा। आपको क्यों लगता है कि आप नए चेहरे हैं, लोगों के बीच शायद अभी उतनी पहचान नहीं है जितनी आपके दादाजी या पिताजी की थी, तो क्या लगता है आपको कि कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको देखते हुए जनता आपको वोट देना चाहेगी या आप जनता के दिल तक उतर पाएंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि मैं हिंदुस्तान के सबसे शिक्षित युवाओं में, नेताओं में से एक हूँ, तो थोड़ा भरोसा मुझ पर रखें, एक बार सेवा देने का मौका दें। मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा जो हो सकता है हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी विधायक ने अपने इलाके में नहीं किए होंगे। महिलाओं के लिए कुछ खास आपके दिमाग में प्लानिंग? महिलाओं को लेकर देखिए, आपको शायद पता होगा कि मैं भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाता हूँ, तो उस संस्था के अधीन मैंने कई सारे काम महिला शक्तिकरण को लेकर किए हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर था, चाहे वो अभी हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर कैंप हमने किए, उससे पहले हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप किए। तो चौधरी भजनलाल जी की सोच थी कि महिला उत्थान की ओर वो काम करे, उस जमाने में 1980s 1990s की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हीं के पचनों पर चलते हुए मैं कोशिश करूँगा कि महिलाओं को सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में और बड़ा योगदान वो कर सकें। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या जनता को लिगेसी देख के वोट देना चाहिए, भजन लाल जी का नाम या फिर भव्य को वोट चाहिए? देखिए, आदमपुर एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही यूनिक हलका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आदमपुर की जनता हमेशा चुनाव लड़ती है, चौधरी भजन लाल परिवार सिर्फ एक चेहरा सामने लेकर आती है, तो चुनाव आदमपुर की जनता लड़ती है और जीत भी उन्हीं की होती है। क्या लगता है आपको टक्कर किसके साथ, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार दावे कर रही है और आदमपुर भी पहुंच रही है? टक्कर में कोई नहीं है, आदमपुर की जनता ही चुनाव लड़ेगी और आदमपुर की जनता ही चुनाव जीतेगी। यानी साफ तौर पर जीतने वाले हो आप? आदमपुर की जनता जीतेगी, जैसे मैंने कहा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए भव्य विश्नोई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आदमपुर की जनता ही लड़ती है और चुनाव में जीत भी आदमपुर की जनता की ही होती है, टक्कर में फिलहाल कोई नहीं है, ना ही कांग्रेस ना ही आम आदमी पार्टी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।